खुतरहा क्षेत्र से बड़ी खबर, सरजू नदी में स्नान करते समय 28 वर्षीय युवक हुआ लापता, खोजबीन जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। खुतरहा क्षेत्र से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सरजू नदी के नौराहनी घाट पे रविवार को स्नान करने आए संत कबीर नगर के 28 वर्षीय एक युवक सरजू नदी के गहरे पानी में लापता हो गया। आपको बता दें कि रविवार को बड़ी संख्या में लोग सरजू नदी के किनारे पहुंचते हैं और मां सरजू जी में स्नान करते हैं, दान दक्षिणा करके पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना भी करते हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोगों ने सरजू नदी के किनारे पहुंचकर स्नान किया है, जिसमें संत कबीर जिले के बूदा कला गांव निवासी राजेश पुत्र चौहान, उनके साथ में जोगिंदर व पिंटू तीन लोग स्नान करने के लिए आए थे। जहां पर स्नान करते हुए राजेश पुत्र फागु उम्र 28 वर्ष निवासी बूदा कला जनपद संत कबीर नगर का पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब गया, जिसकी सूचना जोगेंद्र व पिंटू ने लोगों को दी है। इसके बाद पुलिस ने पहुंच करके खोजबीन जारी करने में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप सीधे तौर पे नवरहनी घाट की देख पा रहे हैं, जहां पर घटना होने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग एवं पुलिस मौजूद है। पुलिस खोजबीन के लिए स्थानीय गोताखोरों की मदद से लगी हुई है। तो रविवार को यहां पर बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए आते हैं और स्नान करके पूजा अर्चना करके चले भी जाते हैं। तो ये घटनाएं आपको मिल रही थी, जो घटना हुई है, घटना को लेके पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला हुआ है। फिलहाल जो नदी में लापता युवक है वह संत कबीर नगर जिले का रहने वाला है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है और खोजबीन में जुटी हुई है। ये तस्वीरें सीधे तौर पे आप देख पा रहे हैं, ये नौरहानी घाट की है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इस समय सरजू नदी का जलस्तर भी तेज़ी के साथ बढ़ा हुआ है और लोग भोर से ही स्नान करने में जुटे हुए थे। संत कबीर नगर के तीन दोस्त एक साथ स्नान करने के लिए आए थे और सरजू नदी में जैसे स्नान करने के लिए डुबकी लगाए, जिसमें एक लापता हो गया। इसके बाद दो लोगों ने इसकी सूचना दी है, दोनों साथी भी खोजने में जुटे रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची है और पुलिस भी खोजबीन में जुटी रही है। तो नमस्कार, धन्यवाद। ऐसी खबरों को पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर बने रहें। निश्चित तौर पर हम आपके बीच में आपसे जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरी खबरों के साथ, दूसरी परिचर्चाओं के साथ।